नमस्कार। मैं श्रवण सैनी, सहायक आचार्य FM राजकीय महाविद्यालय भैरोड। आज हम BCOM पार्ट सेकंड में EFM के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत यूनिट 4 में राजस्थान में सामाजिक आधारभूत ढांचा के अंतर्गत स्वास्थ्य और चिकित्सा की प्रगति के ऊपर चर्चा करेंगे। चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं को सामाजिक आधारभूत ढांचे के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं समाज के लिए ही होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारी चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा कितना विस्तृत है। चिकित्सा संस्थानों की बात करें तो 31 दिसंबर 2015 तक राजस्थान में हॉस्पिटल की संख्या थी 114, CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इनकी संख्या 571 और प्राइमरी हेल्थ सेंटर रूरल ग्रामीण क्षेत्र में 2080, डिस्पेंसरीज की संख्या थी 194, मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर सेंटर की संख्या 118 और प्राइमरी हेल्थ सेंटर शहरी क्षेत्र में 52, सब सेंटर हैं 14408 और एड पोस्ट अर्बन 13 और सभी सरकारी अस्पतालों CHC PHC डिस्पेंसरीज और इन सभी में मिलाकर पेशेंट के लिए बेडों की संख्या थी 46,767। अब हम बात करेंगे राजस्थान में चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के बारे में। पहले मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, यह 2 अक्टूबर 2011 को शुरू की गई। इसके योजना के अंतर्गत सभी प्रकार की बीमारियों में काम आने वाली दवाइयां मरीजों को सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क मुहैया कराई जाती हैं। अब इन योजनाओं के अंतर्गत 500 से अधिक दवाएं मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, यही योजना मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के लगभग 2 साल बाद में शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जांचें निःशुल्क की जाती हैं यदि मरीज सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज करवाता है तो। डॉक्टर की परामर्श के ऊपर जो भी जांचें लिखी जाती हैं और जो अस्पताल के अंदर कराई जाती हैं तो वे निःशुल्क होती हैं। इस योजना से भी राजस्थान की जनता है वो काफ़ी लाभान्वित हुई है। फिर है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य योजना, नेशनल मेंटल हेल्थ स्कीम। मानसिक विमंदित लोगों के लिए, उनके इलाज के लिए, यानी जो जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है उनके लिए जयपुर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, चूरू और झालावाड़, 12 इन 6 जिलों में 2014-15 में इस योजना को शुरू किया गया और 2015-16 में राजस्थान के सीकर ज़िले में इस योजना को आगे बढ़ाया गया। फिर है नेशनल ओरल हेल्थ मिशन, मुख की जो बीमारियां हैं उनको दूर करने के लिए और मुंह की देखभाल करने के लिए ये मिशन चलाया गया है, नेशनल ओरल हेल्थ मिशन। और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में 2014-15 में चालू किया गया
और इसके बाद टोंक और झालावाड़ जिले में 2015-16 में शुरू किया गया। इसके बाद है नया सवेरा योजना। नया सवेरा योजना के अंतर्गत डोडा पोस्त के जो लत लगे हुए जो नशेड़ी थे उनको इस लत से छुड़ाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा क्लिनिक शुरू किए गए हैं, क्योंकि 31 दिसंबर 2016 से राजस्थान में डोडा पोस्त की बिक्री को रोक दिया गया था और इनके जो सेवन करने वाले नशेड़ी थे उनकी आदत को छुड़ाने के लिए ये क्लिनिक शुरू किए गए। फिर है कोड मुक्ति कार्यक्रम या कोष्ठ निवारण कार्यक्रम। ये कार्यक्रम भी केंद्र सरकार की सहायता से राजस्थान में लगातार चल रहा है और कई कुष्ठ रोगियों को प्रतिवर्ष कोड से मुक्ति दिलाई जाती है। फिर है नेशनल टीबी मुक्ति कार्यक्रम। ये भी प्रत्येक ज़िले में चलाया जा रहा है। प्रत्येक जिला अस्पताल में एक टीबी सेंटर होता है, वहाँ पर टीबी के जो मरीज होते हैं जिले भर में उनको निःशुल्क दवाई और इलाज उपलब्ध कराया जाता है। राजस्थान में 66,070 का जो लक्ष्य था 2015-16 में, उसके बजाय 111,434 टीबी के मरीजों का इलाज किया गया। फिर है मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम। मलेरिया को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए भारत सरकार के सहयोग से मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम भी राजस्थान में चलाया जा रहा है। इसके बाद है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। एड्स पे कंट्रोल पाने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा 2015-16 में 851,725 रक्त नमूने लिए गए, उनमें से 5,576 नमूने HIV पॉजिटिव पाए गए और उनका HIV सेंटर के द्वारा इलाज किया गया। फिर है राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम। तंबाकू से सेवन से उत्पन्न होने वाली जो डिजीज हैं उनके इलाज के लिए राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण प्रोग्राम चलाया जाता है। फिर है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, यानी NPCDCS। ये प्रोग्राम भी केंद्र सरकार की सहायता के द्वारा राजस्थान में चलाया जा रहा है और ये जो बीमारियां हैं जो असंक्रमक हैं, जो संक्रमण के द्वारा नहीं फैलती, उनमें कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर और स्ट्रोक यानी जो हृदय की बीमारियां हैं उनसे मुक्ति के कार्यक्रम भी बराबर चलाए जा रहे हैं। फिर है नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली, NPHCE, यानी जो वृद्ध लोग हैं उनको वृद्धावस्था की बीमारियों से छुटकारा पाना दिलाने के लिए भी नेशनल प्रोग्राम के रूप में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके बाद हम देखेंगे राजस्थान में आयुर्वेद और उसकी अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ। आयुर्वेद और अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ, राजस्थान में 118 आयुर्वेद अस्पताल, 3,357 आयुर्वेद डिस्पेंसरियाँ, 3 योग और प्राकृतिक चिकित्सालय तथा 3 डिस्पेंसरियाँ जिनमें एक मोबाइल यूनिट भी शामिल है वह चलाई जा रही है। वर्तमान में राज्य में 3,715 आयुर्वेद अस्पताल और डिस्पेंसरियाँ कार्यरत हैं। यूनानी चिकित्सा भी प्रदान कराई जा रही है। इसके अंतर्गत प्रत्येक जिला अस्पताल में यूनानी चिकित्सक की नियुक्ति की गई है, जिसके द्वारा यूनानी पद्धति के द्वारा इलाज किया जाता है। होम्योपैथिक चिकित्सा सभी जिला अस्पतालों में तथा विभिन्न CSC में होम्योपैथिक डॉक्टर का आउटडोर होता है, जहाँ इस पद्धति से मरीजों का इलाज किया जा रहा है। अब हम देखेंगे राजस्थान में परिवार नियोजन कार्यक्रम, क्योंकि ये भी स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत आता है। जनसंख्या पर नियंत्रण पाना राज्य सरकार के लिए एक चुनौती है, इसलिए सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम चला रखा है।
परिवार नियोजन का जो मुख्य उद्देश्य है वह शिशु मृत्यु दर पर रोक लगाना और मातृ मृत्यु दर है उसके ऊपर रोक लगाना। राजस्थान में मातृ मृत्यु दर है वो मदर मोर्टिलिटी रेट है वह 208 है, प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पे है, यानी 1 लाख बच्चों का जब जीवित बच्चों का जन्म होता है वहाँ पर 208 माताएं हैं वह बच्चों को जन्म देने के पश्चात ख़त्म हो जाती हैं। तथा राजस्थान में शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट IMR 47 प्रति 1000 जीवित जन्मों पे है, यानी 1000 बच्चों का जन्म होता है जीवित बच्चों का उनमें से 47 बच्चे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये भी राजस्थान के लिए एक बड़ी चुनौती है, परंतु IMR और MMR को कम करने के लिए राजस्थान में गर्भवती महिलाओं तथा नवजात शिशुओं के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है और 31 दिसंबर 2015 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान सरकार के द्वारा DPT-3+Penta-3 के 10.15 लाख टीके लगाए गए, BCG के 11.57 लाख टीके लगाए गए, मीजल्स फर्स्ट के 10.51 लाख टीके लगाए गए, टीटेनियम इंजेक्शन लगाए गए 11.56 लाख और OPV3 इंजेक्शन 10.15 लाख लगाए गए। परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत 1,92,300 नसबंदी ऑपरेशन किए गए, 3,48,637 ICUD उपकरणों का प्रयोग दंपतियों द्वारा किया जा रहा है और 4,61,025 ओरल पिल्स प्रयोग करने वाले महिलाएं हैं तथा 59,751 CC यूजर्स थे। अब हम बात करेंगे राजस्थान सरकार के द्वारा स्वास्थ्य की योजनाएं। सबसे पहले है राजस्थान जननी सुरक्षा योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों को जन्म देने वाली माताएं और उनके जन्म लेने वाले शिशुओं की सुरक्षा के लिए ये योजना शुरू की गई है। इसके लिए महिलाओं को समय समय पर स्वास्थ्य की देखभाल और प्रसव पश्चात 1 साल के भीतर बच्चों की देखभाल के लिए कार्यक्रम चलाया गया। फिर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पोषण दिवस, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं की स्वास्थ्य के लिए और इनकी पोषण देने के लिए MCHN डेज यानी दिवस चलाए जाते हैं और 2015-16 के दौरान 5,26,000 MCHN डेज का आयोजन किया गया। फिर है नेशनल हेल्थ मिशन, ये 2005 से भारत सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है। इसका उद्देश्य पूरे देश में नागरिकों के स्वास्थ्य को उन्नत बनाए रखना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान में जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें आशा सहयोगिनी। आशा सहयोगिनी एक वर्कर होती है जो कि राजस्थान सरकार के मेडिकल डिपार्टमेंट और जो जो होते हैं लाभान्वित जो सेंटर होते हैं यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके मध्य ये समन्वय का कार्य करती है और नेशनल जो रूरल हेल्थ मिशन है उसके लिए कार्य करती है। फिर जननी एक्सप्रेस 104 टोल फ्री योजना, इसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने और प्रसव के पश्चात उनको वापस घर तक छोड़ने के लिए यह योजना शुरू की गई है।
104 नंबर है टोल फ्री, इसके ऊपर सूचना देकर कोई भी जननी एक्सप्रेस को बुला सकता है और गर्भवती महिला को प्रसव के लिए जो सरकारी संस्थान है चिकित्सालय वहाँ तक पहुँचा सकता है। इसका उद्देश्य संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना है। फिर है 108 टोल फ्री एम्बुलेंस योजना। इस योजना के अंतर्गत कोई भी मरीज को आपातकाल में अस्पताल पहुंचाने के लिए 108 एम्बुलेंस शुरू की गई है और इस पर सूचना देके किसी भी आपातकालीन व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया जाता है। फिर है ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति। गाँव में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पे इस समिति का गठन किया जाता है और फिर है आयुर्वेदा योगा यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथिक, जिसको संक्षेप में कहेंगे आयुष, आयुष योजना। इसके अंतर्गत आयुर्वेद योग यूनानी सिद्ध और होम्योपैथिक इन पांच पद्धतियों के द्वारा रोगियों को इलाज किया जाता है और इसके अंतर्गत आयुष सेंटर की स्थापना की गई है, जहां एक ही छत के नीचे ये सभी पांच जो चिकित्सा पद्धतियां उपलब्ध होती हैं। फिर है मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष, ये 2009 में 1 जनवरी को शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत इंडोर और आउटडोर रोगियों का निःशुल्क ट्रीटमेंट राजस्थान सरकार के द्वारा किया जाता है। सभी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, उप डिवीजन पे और जो सेटेलाइट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और पीएचसी सेंटर इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। फिर है 5 लीटर देसी घी योजना। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए बढ़ावा देने हेतु बीपीएल महिलाओं को 5 लीटर घी का उपहार दिया जाता है, यानी जो बीपीएल महिलाएं संस्थागत प्रसव करवाती हैं उनको 5 लीटर घी देसी घी उपहार में दिया जाता है। फिर है इंद्रधनुष योजना। इंद्रधनुष योजना पूरे देश भर में 2014 में शुरू की गई थी और इस योजना के अंतर्गत सभी जो बच्चे हैं उनका टीकाकरण किया जाता है ताकि विभिन्न बीमारियों से उनको बचाया जा सके और उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सके। और फिर है ऑनलाइन जननी सुरक्षा योजना एंड शुभलक्ष्मी योजना पेमेंट यानी ओजस। इसके अंतर्गत जो जननी सुरक्षा योजना और जो शुभलक्ष्मी योजना है उनका ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है। ये सभी योजनाएं नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत चलाई जा रही थी। अब हम बात करेंगे एक अन्य योजना के बारे में, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, जो 13 अक्टूबर 2015 से राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जाती है। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान में सभी जो जनता है उसके लिए एक विशेष पैकेज सरकार के द्वारा तय किया गया है और जो सभी सरकारी और अनुमोदित अस्पतालों में लागू होता है वहाँ किसी भी बीमारी का इलाज कराने के लिए उसके लिए जो निर्धारित पैकेज होता है उसका भुगतान सरकार के द्वारा बीमा कंपनियों को किया जाता है और मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जाता है। फिर है प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना 2016। इस योजना के द्वारा जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए प्रत्येक माह की 9 तारीख को सभी अस्पतालों में एक कैंप लगाया जाता है और उनकी जांच कर उनको निःशुल्क दवाएं दी जाती हैं ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे।
आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।